हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में 2025 आईसी के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक स्टेरियो एम्पलीफायर आईसी होती है 2025, इस बोर्ड में लगी है। मैं आपको दिखा देता हूं। यह एक ओरिजिनल आईसी है बूमटेज कंपनी की, और इसी तरह की मार्केट में मिल जाती है, जो TEA 2025 करके भी आती है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो इस बोर्ड में दो आईसी है, एक कंप्लीट एम्पलीफायर बोर्ड है जिसमें कि ब्रिज रेक्टिफायर और वॉल्यूम कंट्रोल लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाली आईसी है ये सब ऊपर के लिए है, और इस आईसी से हमें लेफ्ट राइट आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके का बोर्ड आपको मार्केट में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमने एक होम थिएटर से निकाला हुआ है लॉजिटेक के। तो आपको एक स्टेरियो बोर्ड मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा 43 रुपए में, और इस आईसी को हम कंपेयर करें 62-83 से तो ये भी 40-45 रुपए के आसपास बोर्ड हमें मिल जाता है। और अगर हम दोनों के आउटपुट पावर की बात करें तो दोनों का आउटपुट पावर सेम है। और उसके बाद हम अगर क्वालिटी की बात करें तो आपको 2025 आईसी में बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिल जाती है 62-83 आईसी के मुकाबले। इस आईसी में काफ़ी ज़्यादा हमिंग होती है, और इसमें उससे काफ़ी कम हमिंग होती है। हमिंग इसमें भी होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो 62-83 अगर आप ले रहे हैं तो उसके जगह आप 2025 आईसी का एम्पलीफायर बोर्ड ले सकते हैं। अगर आपको मार्केट में इसका बोर्ड नहीं मिलता है तो आप बड़ी आसानी से इसका बोर्ड बना भी सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। कुछ कैपेसिटर ले करके आप इस बोर्ड को 0 PCB पे बना सकते हैं इस आईसी को, तो एक अच्छा स्टेरियो एम्पलीफायर बन जाएगा। और दोस्तों, सबसे खास बात इस बोर्ड की ये है कि इसको आप 3 होल्ट से 12 होल्ट तक चला सकते हो। तो अगर आप एक ब्लूटूथ एम्पलीफायर बना रहे हैं तो यह आपके यह आईसी आपके बहुत ही काम आ सकती है, जबकि 62-83 आप 9 होल्ट से 12 होल्ट तक ऑपरेट कर सकते हो, यह 3 होल्ट पे ऑपरेट नहीं हो पाती। तो अगर आप एक ब्लूटूथ एम्पलीफायर के बारे में सोच रहे हो तो यह आईसी बहुत ही अच्छी है। और साथ ही साथ इसका एक और बेनिफिट हो जाता है कि हमें इस आईसी को हीट सिंक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसमें से स्टेरियो आउटपुट लेना चाहते हो तो हीट सिंक की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप 62-83 यूज कर रहे हैं तो एक तो ये कम होल्ड पे चलेगी नहीं, और इसका आउटपुट भी उतना अच्छा नहीं है, और इसे हीट सिंक भी लगाना पड़ता है। तो दोनों में से अगर आप कोई एक आईसी परचेस करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको 2025 की ओर जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस आईसी का एम्पलीफायर बोर्ड आपको बना के बताएंगे, और जिसका हम पूरा टेस्टिंग करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।